हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको ओरेकल सीरीज में ग्रुप फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। ग्रुप फंक्शंस होता क्या है? तो दीज फंक्शंस प्रोसेस ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न्स वन वैल्यू। ग्रुप फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेट फंक्शंस। तो अगर मैं ग्रुप फंक्शंस के बारे में आपको बताऊं, तो ग्रुप फंक्शंस ऐसा फंक्शंस है जो ग्रुप ऑफ रोज, मतलब एक से ज़्यादा रोज को एज ग्रुप जो है प्रोसेस करता है। आफ्टर दैट आपको एक वैल्यू वो रिटर्न करेगा। ग्रुप फंक्शन को हम एग्रीगेट फंक्शंस भी बोलते हैं। में हम आज बात करेंगे मैक्स के बारे में, मीन के बारे में, सम के बारे में, एवरेज के बारे में, कॉन्ट एस्ट्रिक के बारे में, कॉन्ट प्लस में। ओके, तो सबसे पहले अगर हम मैक्स के बारे में बात करें, तो मैक्स फंक्शन returns the maximum value. Okay, max function जो है वो maximum value return करती है। इसकी syntax है, अगर इसकी syntax की बात करूँ तो मैं max लिखूंगा और मैं argument pass करवाऊंगा। एक छोटा सा example मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे syntax हैं, side by side मैं नोटपैड को और कमांड लाइन को रखूंगा तो काम चल जाएगा। तो डायरेक्ट मैं सिंटैक्स एग्जीक्यूट करवाता हूँ मैक्स फंक्शन का। सेलेक्ट मैक्स सर फ्रॉम ईएमपी। आप देख लो, हमारे पास मैक्सिमम सैलरी जो है वो आ चुकी है। ईएमपी टेबल में जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो हमें ये ढूंढ के बताएगा। इस सैलरी रेंज में जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो हमें ढूंढ कर बताएगा। अभी मैं मीन की बात करूंगा, और मीन में आउटपुट 800 आना चाहिए। लेट्स चेक। तो मीन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम। मीन फंक्शन जस्ट उसके अपोजिट है। मीन फंक्शन रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू। सिंटैक्स इसका मीन है। आफ्टर दैट हमें आर्गुमेंट पास करवाना होता है। तो अगर मैं पास करवाऊँ मीन का फंक्शन, तो मीन के मैक्स की जगह मीन लिखना होगा। और ये देखिए, मीन फंक्शन में मिनिमम सैलरी जो है हमें मिल चुकी है, कि ये मिनिमम सैलरी है हमारे रेंज में। अगर मैं सम फंक्शन का बात करूँ, तो सम फंक्शन रिटर्न करता है टोटल टोटल सैलरी को, सम करके हमें रिटर्न कर देता है। तो अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट सम और पूरी सैलरी फ्रॉम ईएमपी, तो आप देखो कि इतनी इतने डॉलर्स जो है, 29,025 डॉलर्स जो है वो टोटल सैलरी जो है एक महीने की हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देनी होती है। सिंटैक्स इसके सेम है। सिंटैक्स मैक्स आर्गुमेंट। ओके, मैक्स सैलरी की हमने बात कर ली। अब बात हम करेंगे एवरेज सैलरी, एवरेज एवरेज की हम बात करेंगे। एवरेज रिटर्न्स एवरेज वैल्यू। ओके, इसका सिंटैक्स भी सेम है। सिंटैक्स क्या है? एवीसी आर्गुमेंट। तो अगर मैं एवरेज निकालूं कि एवरेज सैलरी क्या है, तो मैं जस्ट एवरेज फंक्शन का यूज़ करूंगा। और आप देख सकते हो कि एवरेज जो है एक बंदे की सैलरी
2000 है। तो आपने देखा मीन, मैक्स, सम, एवरेज। अब हम बात करेंगे अगले में काउंट एस्ट्रिक की। इसकी यूज होती है, इसकी भी यूज, बाकियों की भी यूज होती है। इसकी यूज कहीं कहीं नंबर ऑफ रोज जो है वो काउंट करने में होती है। तो इससे होता क्या है, ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। तो अगर मैं लिखूं सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, तो आई थिंक हमें रिटर्न 14 मिलेगा। इससे हुआ क्या कि ये टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो हमें डिस्प्ले करके बताता है, वो हमें डिस्प्ले करके बताता है। अगर आप चाहोगे कि आप ग्रुप बाय फंक्शन को वेयर क्लॉज में यूज करो, लाइक सेलेक्ट मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए उन एम्प्लॉयज के जहाँ पे सैलरी जो है वो मैक्स सैल हो, ठीक है। अगर मैं ये रन करवाता हूँ तो ये ग्रुप फंक्शन जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये मैं आपको बताने वाला था, प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली ये क्या है कि ग्रुप फंक्शंस आर नॉट अलाउड इन वेयर क्लॉज, वेयर वेयर क्लॉज, ग्रुप फंक्शंस आर नॉट अलाउड इन वेयर क्लॉज बट इट इज अलाउड इन सेलेक्ट हैविंग क्लॉजेस। इसके बारे में मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। ओके अगर आपने हमारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए आज की असाइनमेंट है डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जॉइंड इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ 1981 ईयर। ओके ईएमपी टेबल जो है ईएमपी टेबल अपने डेटाबेस में आप इंसर्ट कर लें। ये ओरेकल की सैंपल टेबल है जो ओरेकल प्रोवाइड करती है फॉर एक्सपेरिमेंट्स, जस्ट इंपोर्ट दिस टेबल ईएमपी टेबल इन योर ओरेकल। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।